कोरोना का एक कंफर्म, 28 मुश्तबा मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल, 3 में अस्पताल, 3 सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अस्पतालों में 122 मुश्तबा मरीजों के लैब टेस्ट किए गए, 83 मरीजों को लैब टेस्ट क्लियर होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका। वायरस से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, लाहौर समेत सूबे भर के तमाम मजारात आइंदा 3 हफ्तों के लिए बंद करने का हुक्म। अहकाम के बाद दरबार हजरत अली हजवेरी अलमारूफ, दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, दरबार बीबी पाक दामन और दरबार हजरत शाह जमाल मुकम्मल बंद, जबकि बादशाही मस्जिद और शाही कला भी बंद कर दिए गए। अब धूम धड़के से शादी नहीं होगी, शादी ब्याह की तकरीबात घर के कमरों तक महदूद। पंजाब हुकूमत ने घर के लॉन में शादी करने पर पाबंदी आयद कर दी, शहरियों को घर की चार दीवारी में सादगी के साथ शादी की हिदायत। कोरोना वायरस से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, अस्पतालों के लिए 300 स्क्रीनिंग किट्स और वेंटिलेटर खरीदने की मंजूरी दे दी। फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास में किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा इकदाम, कोरोना वायरस की तशखीस के लिए सस्ती किट तैयार कर ली, किट सिर्फ $5 में तैयार हुई। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस मोलेकुलर बायोलॉजी में कोरोना वायरस की मुफ्त तशखीस की सहूलत भी दस्तयाब, रोजाना 150 मरीजों के टेस्ट किए जा सकते हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 15 परवाजें मुतासिर कर दी, 13 परवाजें मंसूख और 2 ताखीर का शिकार। लाहौर से तहरान, कुवैत, दमाम जाने वाली परवाजें मंसूख, सऊदी एयर की मदीना जाने वाली परवाज भी उड़ान नहीं भर सकेगी। उधर कराची और कोयटा से आने वाली मुताबिक ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। तेजगाम, इलामा इकबाल, खैबर मेल, ग्रीन लाइन, शालीमार, मिल्लत, अकबर एक्सप्रेस ताखीर का शिकार रही। शहर में कोरोना वायरस की तशखीस, मुनाफाखोर सरगर्म हो गए, मार्केट से फेस मास्क गायब, मुनाफाखोरों ने शहर से सैनिटाइजर्स भी गायब कर दिए, शहरी परेशान। सर्विसेज अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर से फेस मास्क सैनिटाइजर्स गायब, मेडिकल स्टोर पर फेस मास्क 40 से 50 रुपए पे फरोख्त होने लगे। चीफ जस्टिस का सर्जिकल मास्क सैनिटाइजर की अदम दस्तियाबी का नोटिस, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने विफाकी सूबाई हुकूमती नुमाइंदगान को कल तलब कर लिया। हुकूमत ने अभी तक मास्क की कीमतें क्यों मुकर्रर नहीं की, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बोले सैनिटाइजर की अदम दस्तियाबी की क्या वजूहात है, वाजे बताया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन, लाहौर पुलिस ने अब तक 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। शालीमार थाने ने 2 FIR स्नूकर क्लब के मालिकान के खिलाफ दर्ज की। भाटी गेट थाने में होटल पर LCD लगाकर लोग जमा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। उधर शादी हॉल, फार्म हाउसेज और रेस्टोरेंट सील करने का अमल जारी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद शादी हॉल्स को सील कर दिया गया। का खदशा, LDA वन विंडो सेल शहरियों के लिए 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया। LDA ऑफिस में आम शहरियों का दाखिला भी बंद। LDA ऑफिस के गेट पर कोरोना से आगाही के लिए बैनर्स आवेदना कर दिए गए। मुलाजिमों को हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद दाखिले की हिदायत। कोरोना वायरस का खतरा, जेलों में कैद मुलजमान की पेशियाँ बंद, अदालतों के बख्शी खाने वीरान हो गए, अदालतों में किसी को भी खड़ा होने की इजाजत नहीं दी गई। जेल हुकाम ने मुलजमान को अदालतों में पेश करने की बजाय वारंट भिजवा कर अगली तारीख में ले ली। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर बट ने अदालतों का दौरा किया, उन्होंने महकमे सेहत को तमाम अदालतों में स्प्रे कराने की हिदायत कर दी। शहर में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा, शहरी खौफ में 24 घंटों के दौरान आवारा कुत्तों ने मजीद 46 लाहौरियों को काट लिया। जिला इंतजामिया और हुकूमत ने आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए कोई काम न किया। लाहौर में 3 रोजा इस्तेदादे पोलियो मुहिम का पहला दिन, ACS फील्ड में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम में 86 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 20,000 से ज्यादा पोलियो टीम्स हिस्सा ले रही हैं। पोलियो केसेस और माहौलियाती नमूने मस्बत आने के बाद इस्तेदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है।
लाहौर में नए सीवरेज सिस्टम की तंसीब के मंसूबे में बड़ी कामयाबी। लॉरेक्स कॉलोनी था गुलबर्ग टनल बोरिंग के तहत जेर जमीन सीवरेज बिछाने का मंसूबा तैयार। MD वासा सैयद ज़ाहिर अजीज ने इजलास में टनल बोरिंग प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। एक्निक ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबा 14 अरब रुपये लागत से 30 माह में मुकम्मल होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती रही। सुबह सस्ता होने वाला डॉलर की कीमत दोबारा बढ़ गई। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक डॉलर 1.25 रुपए सस्ता हुआ, फिर 60 पैसे इजाफे के बाद 158.35 रुपए की सतह पर आ गया। कुछ देर बाद डॉलर मजीद 90 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर की कीमत 158.65 रुपए हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना भी डॉलर के नक्शे कदम पर चल पड़ा। शहर के सराफा बाजारों में सोना 600 रुपए महंगा, 24 कैरात भी तोला सोना 91,500 रुपए, जबकि 22 कैरात भी तोला सोना 83,875 रुपए का हो गया। पंजाब के 36 जिला में क्रैक डाउन। पंजाब पुलिस अथॉरिटी ने 35,977 लीटर मुझे सेहत मिलावटी दूध तर्क कर दिया। सबसे ज्यादा लाहौर में 12,000 लीटर दूध तर्क किया गया। 1,294 दूध बर्दार गाड़ियों में 9,73,763 लीटर दूध की चेकिंग की गई। जिला इंतजामिया की मोजा ठोकर ने न्याज बेग पर बड़ी कार्रवाई। 92 कनाल पर लगी सब्जियों को तल्फ कर दिया। शलजम बंद गोभी फूल गोभी की सब्जियों को सीवरेज का पानी दिया जा रहा था। मोजा न्याज बेग पर 5 ट्यूबवेल्स को मिसमार कर दिया गया। LDA शोभा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। गुलबर्ग मुस्लिम टाउन गार्डन टाउन में 6 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 19B न्यू मुस्लिम टाउन को जुजवी, 17B पर गैर कानूनी तामीरात को सर्व मोहर कर दिया गया। 244A गुलबर्ग थी, 15S गुलबर्ग भी सर्व मोहर कर दिए गए। लाहौर में चोरों का राज। सांदा में चोरों ने बेकरी का सफाया कर दिया, 1,20,000 रुपए ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। पुलिस तहाल चोर गिरफ्तार ना कर सकी। एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए। आजाद अदलिया और आजाद मीडिया अहम सतून है। जियो ग्रुप के मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस अली बाकर नशवी बोले, चैनल हुकूमत के खिलाफ खबरें देता है, क्या इसलिए गिरफ्तार किया गया? नहीं, नैब का हुकूमत की से कोई ताल्लुक नहीं, यह आजाद इदारा है। नैब वकील का जवाब, नैब ने सवालनामे के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। मीर शकीलुर रहमान के वकील एतजाज हसन का मौकिफ, अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। शहबाज सतला कत्ल केस की मॉडल टाउन कचहरी में इब्तदाई समाअत। पुलिस ने मुलजिमान SSP मुफखिर अदील और असद भट्टी को पेश किया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए पुलिस की इस्तेदा। अदालत ने दोनों मुलजिमान को मजीद 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस आई प्रोफाइल है, SSP मुफखर अदील मुलविस हैं। शहबाज सतला के वकील सैयद फरहाद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगु, बोले सेफ सिटी अथॉरिटी समेत दीगर इदारों से मदद ली जा रही है। उधर शहबाज सतला के भाई सज्जाद ने मुफखर अदील की अहलिया को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। बोले पहले 3 से 4 दिन तो मुफखर अदील भी साथ मिलकर भाई को ढूंढते रहे। उधर मुफखर अदील के दौरान तफ्तीश इनकशाफात, कहा शहबाज सतला के कत्ल का साल से मंसूबा बना रहा था। शहबाज सतला को 5 बार पहले भी शराब में बेहोशी की गोलियां थी, आखिरी बार बेहोशी के बाद तकिया रखकर सांस बंद की। SSP मुफखिर अदील को मौतल और सरेंडर करने का मामला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुफखिर अदील के खिलाफ चार्जशीट मांग ली। इल्जामात और तफ्तीश में जो कुछ साबित हुआ उसकी रिपोर्ट भिजवाई जाए। चार्जशीट के बाद मुफखिर अदील के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। IG ने CCPO से मुफखिर अदील के खिलाफ चार्जशीट मांग ली। पंजाब में अरकान असम्बली को नवाजने की कोशिशें जारी। महकमों को फंड से इनकार, अरकान असम्बली के लिए इकरार। अरकान असम्बली के लिए 2 अहम मंसूबे लाने का फैसला। कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 2 से हुकूमती रुकन असम्बली को 10 करोड़ दिए जाएंगे। सस्टेनेबल अचीवमेंट प्रोग्राम की मद में 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। कोरोना वायरस तालीमी नतायज पर भी असर अंदाज होने लगा। लाहौर बोर्ड ने पर्चों की मार्किंग रोक दी। रकम जुलाई को मैट्रिक के इम्तिहानी नतायज का ऐलान नहीं हो सकेगा।
चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी बोले, मैट्रिक के नतीजे का ऐलान इंटरमीडिएट का सेशन शुरू होने से पहले कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नजर टीचर से घरों पर पेपर्स की चेकिंग करने की तजवीज जेरे गौर है। और FPCCI की कायमा कमेटी बरए फर्नीचर एक्सपोर्ट का अजलास, फर्नीचर की सनत और एक्सपोर्ट के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास में कोऑर्डिनेटर FPCCI मियां मोहम्मद अली, मियां शफकत अली, आमना रंधावा समेत दीगर शरीक हुए।